नमस्कार दोस्तों, आगरा की रसोई में मैं वर्षा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ मंगोड़े, पकोड़े और सैंडविच की चटनी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, बनाना बहुत आसान है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी सी चटनी की रेसिपी को। हरी चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम हरा धनिया, तो मैंने डंडी के साथ लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इसे हम काट के मिक्सी के जार में डाल लेंगे। तो मोटा मोटा कट करके डाला है, और 4 से 5 हरी मिर्च। तो मैंने तीखी चटनी बनाई है, 5 हरी मिर्च ली है, 1 इंच अदरक इसको धो के काट लिया है, 1 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 नींबू लेंगे। तो नींबू को इस तरह से निचोड़ लेंगे, इसके बीजों को हम निकाल लेते हैं। दो चम्मच दही डालेंगे, तो दही से चटनी का कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, 1-2 चम्मच करीब, और इसे हम पीस लेते हैं। चटनी हमारी पीस चुकी है, देखिए बहुत ही अच्छी चटनी बनी है, बहुत अच्छा इसका कलर आया है। तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको हमारी चटनी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।